हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो भई आज गुड्डन जा रही है नानी के घर पर, क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म। और भी दोनों बहन भाई घर पर ही रहते हैं, दोनों के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अब भी रिजल्ट आने में टाइम है। तो सोचा भी अभी चलो नानी के घर पर रह आती है। और नानी के घर पर ये भी है क्योंकि ये दोनों बहन भाई यहाँ पर ना लड़ते रहते हैं दोनों के दोनों, और मैं हो जाती हूँ परेशान, इन दोनों के बीच में पिसती रहती हूँ। तो सोचा रानी के घर पर ही भेज देती हूँ थोड़े बहुत दिन के लिए, और उसका भी खून बनता है कि हाँ नानी के घर पर जाऊँ मैं, बहुत टाइम हो गया गए हुए। तो अभी इसलिए रह के आ जाएगी, छुट्टियां जब तक हैं, फिर रिजल्ट आने वाला होगा तो तब आ जाएगी। और फिर ये था कि पापा इसको लेके चले गए थे, मैं तो रास्ते में मेट्रो स्टेशन छोड़ देंगे और वहाँ से मेरे पापा यानी कि इसके नाना जी रास्ते में पिक कर लेंगे, फिर वो आगे वो लेके चले जाएंगे। तो टाइम बचेगा इधर से क्योंकि उनको अभी ऑफिस जाना है। तो इन लोगों के जाने के बाद, थोड़ी देर रुकने के बाद मैं लग गई थी घर के कामों में, क्योंकि घर का पूरा काम फैला हुआ था अभी तक, क्योंकि बस खाना खाना ही बना था। और आज मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश आने वाली लग रहा है, ऐसा ठंडा भी हो गया है मौसम। तो बस यहाँ मैंने पहले किचन समेटी है, किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं लग गई थी और कामों में, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम कम्प्लीट किया मैंने अपना। ये मेरी लोहे की कढ़ाई है जिसको मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लिया था। तो मैं अब इसको धोने के बाद कपड़े से साफ़ कर लिया अच्छे से, और फिर इसको थोड़ा सा गर्म भी कर दिया कढ़ाई को, जिससे कि कोई भी इसमें पानी या मतलब जंग ना लग जाए इस वजह से। तो और यहाँ मैं शाम को बनाऊँगी आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो मैंने बीन्स को भी धोकर रख दिया है, अभी पानी में डाले रखूँगी, बाद में निकाल लूँगी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगी। और अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, हालाँकि एक बार सुबह झाड़ू लगा चुकी हूँ पर दोबारा से धूल आ जाती है, क्योंकि ऊपर जाल है तो हवा चल रही थी तो धूल मिट्टी आ गई थी फिर से। और यहाँ ये कार थी, कैमरा देखकर आ ही जाता है कैमरे के पास। और ये झाड़ू लगाते लगाते इसका भी ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि ये सोफ़े के किनारे पे देखो कैसे खड़ा हुआ है। तो इसको उतार के मैंने नीचे बिठाया, इसको खेल में लगाया किसी और काम में, कि जब तक मैं अपना काम निपटाऊँ तो ये किसी और खेल में लगा रहे। तो यहाँ मैं अब लगा रही हूँ पोछा, और आप देख रहे होंगे कि मैं बैठकर पोछा लगा रही हूँ। हालांकि किचन में तो मैं बैठ के पोछा लगा लेती थी पहले, और बाकी पूरे घर में नहीं लगा पाती थी, वाइपर से लगाती थी, और अब मैं बैठ के पूरे घर में आराम से पोछा लगा पाती हूँ। और ये मतलब मुझे पहले जो दिक्कत होती थी कि मैं मेरे पैर दुख जाते थे, सांस भी फूल जाता था पोछा लगाते लगाते, पर अब वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्योंकि इसका भी एक राज है, कि वो राज है कि मैंने एक हेल्दी कम्युनिटी ज्वाइन की है, वो मुझे मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मिली है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस वाली हेल्थी कम्युनिटी में मतलब जाने के बाद। और मैं इसके बारे में डिटेल्स में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, तो आप ज़रूर देखना वो वाली वीडियो मेरी। तो शायद आप में से कोई भी जो परेशान होंगे लोग अपने किसी हेल्थ इशू को लेकर, अपने फैट को लेकर, तो वो मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं और उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो शाम का हो गया है टाइम, और मैं अब यहाँ कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, कुछ हल्का फुल्का सा, समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ज़्यादा भूख थी नहीं और गुड्डन भी नहीं थे, हम तीनों ही थे। तो सोचा फिर चलो मटर चावल ही बना लेती हूँ। तो मटर मैंने छील ली है, सामान भी तैयार करके रख दिया, चावल भी भिगो कर रख दिए थे। फिर जब गुड्डन के पापा आएंगे तो उसे थोड़ी देर पहले ही छोंक दूँगी इस चावल, क्योंकि फिर ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो उनको आने में रात में 9 बज जाते हैं, तो उस टाइम पर मैंने फिर चावल बनाना स्टार्ट कर दिया था उनके आने से थोड़ी देर पहले ही। तो मेरा हाथ तेल भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसे तो थोड़ा बहुत था वो मैंने अपने और जो ऑयल डिस्पेंसर है उसमें पलट लिया था। बाकी सामान ये था कि जो ख़त्म हो गया सामान, वो सामान भी मंगाना है मुझे किचन का। और यहाँ पर मैं खाना बनाते बनाते मम्मी से भी बात कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी का भी फ़ोन आ गया था, गुड्डन भी बात कर रही थी कि वो पहुँच गई है ठीक ठाक। और ये था उसी फ़ोन से मैं वीडियो बना रही थी, उसी फ़ोन से मैं बातें कर रही थी, स्पीकर पर ऑन करा हुआ था। और यहाँ कार्तिक था अभी भी, वो भी पीछे लगा हुआ था, उसे भी देख रही थी इधर उधर, वो काम ना बिगाड़ दे, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ वो मेरी पूरी ड्रॉर खोल देता है, सब चमचे बेलन जो भी उसके हाथ लगता है सब निकाल के ले जाता है। तो बस यहाँ मेरा फटाफट छोंक दूँगी चावल, जब तक गुड्डन के पापा आएंगे, जब तक खाना बन जाएगा।
रहेगा, और फिर जब वो आएंगे, जब भी साथ साथ गरम गरम खाना खाएंगे। और अगर मेरी वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो और अगर आपको जानना है कि क्या है वो हेल्दी कम्युनिटी, तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर करें। और आपको एक बार आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी है आप एक बार मतलब मुझे बताएं ज़रूर कि आपको ज्वाइन करना है, तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में और अच्छे से। तो बस अब मेरे अपनी वीडियो का करती हूँ यहीं एंड, और मिलूँगी अब आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।